हे एवरीवन, आज मैं एक ऐसी मिनटों में बनने वाली डेजर्ट की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनती है। सूजी से बहुत तरह की डेजर्ट्स बनती है और आज हम बनाने वाले हैं सूजी मिल्क शीरा की रेसिपी। तो चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए। सूजी आधा कप, दूध एक कप, चीनी आधा कप या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, घी एक चौथाई कप, इलायची पाउडर आधा टीस्पून, ड्राई फ्रूट्स जिसमें मैंने लिए हैं थोड़े आमंड्स, किशमिश और काजू। तो सबसे पहले एक कढ़ाई गर्म कर ले और डाले एक चौथाई कप घी। घी जब गर्म हो जाए तो फ्लेम को लो कर ले और डाले ड्राई फ्रूट्स जिसमें मैंने लिए हैं थोड़े काजू, किशमिश और आमंड्स। आप अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स भी इसमें डाल सकते हैं। कुछ सेकंड्स के लिए इसे गोल्डन होने तक भून ले। ड्राई फ्रूट्स का कलर थोड़ा चेंज हो जाए तो डाले हाफ कप सूजी और इसे भी अच्छे से लो टू मीडियम फ्लेम पर भून ले करीब 6-8 मिनट के लिए। अगर आपको ड्राई फ्रूट्स थोड़ी क्रंची चाहिए तो आप ड्राई फ्रूट्स को घी में भूनकर साइड रख ले और लास्ट में डालें। मुझे शीरे में ड्राई फ्रूट्स थोड़ी सॉफ्ट अच्छी लगती है, इसलिए मैंने ड्राई फ्रूट्स को पहले ही डाल लिया है ताकि जब हम दूध डालें तो ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। 6-8 मिनट रवा यानी सूजी को लो फ्लेम पर भूनते हुए हो गए हैं तो अब हमें डालना है एक कप दूध। दूध को सूजी के साथ अच्छे से मिला ले, इससे धीरे धीरे लगातार चलाते रहे। दूध हमें गर्म ही डालना है, गर्म दूध डालने से सूजी तुरंत फूल जाती है। अब इसमें डालें हाफ टी स्पून इलायची पाउडर और 3-4 मिनट के लिए कुक कर ले। अब इसमें हाफ कप चीनी डालकर लगातार चलाते रहे, इससे सारी चीनी इसमें घुल जाएगी और रवा इसे सोख कर लेगी। आप देख सकते हैं चीनी की वजह से इसमें कितनी अच्छी शाइन आ गई है। इस टाइम में आप चाहो तो 1 टेबलस्पून के करीब घी भी ऐड कर सकते हैं। रवा मिल्क शीरा बनकर तैयार है। आप इसे रूम टेम्परेचर पर या फिर ठंडा भी सर्व कर सकते हैं। तो जभी भी कुछ मीठा बट हेल्दी डेजर्ट खाने का मन करे तो इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं और अपना मुंह मीठा करें। अगर आपको मेरी ये रवा मिल्क शीरा की रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल फूड अपडेट्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट कर अपना फीडबैक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, टेक केयर।